आज हम आपको नालासोपारा की कुछ ऐसे तस्वीरें और वीडियो दिखाएंगे जो देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि लॉकडाउन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। बीते कुछ दिनों से नालासोपारा में कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ गया है। अगर सबसे ज्यादा संक्रमितों के आंकड़े कहीं मिलते हैं तो वो है नालासोपारा। तो वही बीते एक साल से हम एक ही चीज हर दिन सुनते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन हम इस वाक्य का उपयोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे। इसका सीधा उदाहरण आप स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो में देख सकते हैं। ये वीडियो नालासोपारा पूर्व के ब्रिज के नीचे का है, जहां पर आज शाम को मार्केट में इतनी भीड़ हो गई कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी इस वाक्य की सरेआम धज्जियां उड़ते नजर आई। तो वही मार्केट के दूसरी तरफ महानगर पालिका की गाड़ी भी वहां पर खड़ी थी, लेकिन महानगर पालिका भीड़ कम करने के लिए कुछ भी नहीं करते नजर आई। अब इस वीडियो को देखकर लगता है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार है, महानगर पालिका या आम जनता या फिर दोनों? क्योंकि अगर महानगर पालिका यह मार्केट को एक ग्राउंड में लगाती तो शायद इतनी भीड़ नहीं होती, और अगर जनता 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी इस वाक्य को थोड़ा समझती तो शायद इतनी भीड़ नहीं करती। यह तो बात थी नालासोपारा पूर्व की। चलिए आपको नालासोपारा पश्चिम के वाइन शॉप के बाहर लगी लाइन का नजारा दिखाते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं वह नालासोपारा पश्चिम के ब्रिज के नीचे का है, जहां पर एक वाइन शॉप के सामने कितनी बड़ी लाइन लगी है आप खुद देखिए। इस लाइन में भी किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। अब आप खुद सोचिए कि बढ़ते कोरोना के लिए कौन जिम्मेदार है, हम सब या फिर सिर्फ महानगर पालिका। इस वीडियो के माध्यम से वसई लाइव की टीम आपसे दरख्वास्त करती है कि अगर हमें कोरोना से दूर रहना है तो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी इसका पालन जरूर करें, और अगर जरूरत हो तो ही अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर पर ही रहे, ताकि बढ़ते कोरोना को हम रोक सके और एक बार फिर से लॉकडाउन लगने की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, वसई लाइव न्यूज, नालासोपारा।